नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शनिवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। लिस्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बनारस से, अमित शाह गांधीनगर से, तो असम के डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल अपनी किस्मत दोबारा आजमाएंगे। 34 केंद्रीय और राज्य मंत्री सूची में हैं। लोकसभा अध्यक्ष का भी नाम है, दो पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। दिल्ली से बीजेपी ने 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। लिस्ट में चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत शेरावत, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह मिधुड़ी को मौका दिया गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है कि भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश से दोगुनी बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आती है तो MSP की कानूनी गारंटी दी जाएगी। शनिवार को राजस्थान के धौलपुर से जारी हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान और बांग्लादेश से दोगुनी बेरोजगारी है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मोदी ने नोटबंदी की, GST लागू की और जो छोटे व्यापार और कारोबार बंद हो गए जो सबसे अधिक रोजगार देते थे। राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत में हर सेक्टर में 5 लोगों की मोनोपोली है। अडानी को देश के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट, पावर सेक्टर और पूरी की पूरी मार्केट उनके हाथ में दे दिया गया है। हिंदुस्तान का पूरा धन 3-4 पूंजीपतियों को पकड़ा दिया गया है। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो सबसे अधिक रोजगार देने वाले छोटे कारोबारी थे वो बंद हो गए। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी चले जाइए, देश के युवा बेरोजगार सड़कों पर भटकते मिलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 10-15 पूंजीपतियों का माफ कर दिया है, लेकिन किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आजादी के बाद शायद ही किसी पार्टी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की होगी। ये यात्रा बहुत फायदेमंद रही क्योंकि देश में दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई साफ नजर आ रही थी। नफरत और मोहब्बत के बीच की लड़ाई, अहिंसा और हिंसा के बीच की लड़ाई साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से बांट रही है, तो दूसरी तरफ सबको साथ लाने के लिए कांग्रेस पार्टी की पूरी विचारधारा एक लाइन में आ गई है। राहुल गांधी ने कहा कि UPA सरकार में तेजी से आगे बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नरेंद्र मोदी स्पीड ब्रेकर बन गए हैं। कांग्रेस ने गरीबों को मजबूत कर विकास को गति दी, वहीं नरेंद्र मोदी चंद मित्रों के फायदे के लिए देश को खोखला कर रहे हैं। नीतियों में देशवासियों को आगे रखे बिना देश का विकास असंभव है। झूठे प्रचार के विपरीत आर्थिक मोर्चे पर भाजपा सरकार कांग्रेस के आसपास भी नहीं है, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। PM मोदी आमतौर पर मंच पर डाली जाने वाली माला में अकेले ही दिखते हैं। पिछले दिनों राजनाथ सिंह और नड्डा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राजनाथ माला के अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त नड्डा को अमित शाह माला के बीच में जाने से रोकने के लिए इशारा करते हैं, फिर राजनाथ भी इशारा देखकर रुक जाते हैं। लेकिन PM मोदी ने आज बिहार में नीतीश के साथ उल्टा कर दिया। उन्होंने आज औरंगाबाद में जब उन्हें माला पहनाई जा रही थी तब उन्होंने नीतीश कुमार को जबरदस्ती उस माला में खींच लिया। नीतीश रुकते रहे लेकिन PM मोदी उन्हें अंदर लाकर ही माने। औरंगाबाद में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक रैली के दौरान मंच साझा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने PM मोदी को आश्वस्त किया कि वो अब BJP के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान जो बातें कहीं उसे सुनकर PM मोदी खिलखिलाकर हंसने लगे। नीतीश कुमार ने कहा कि आप पधारे हैं यहाँ तो हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है। आप पहले आए थे और इधर हम गायब हो गए थे, हम फिर आपके साथ हैं। ये बोलते हुए खुद नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट थी तो प्रधानमंत्री मोदी भी खिलखिलाकर हंसने लगे। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। हम लोग तो 2005 से लगातार एक साथ ही हैं, मिलकर बहुत काम किए हैं, किया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज औरंगाबाद में एक सार्वजनिक जनसभा की और चुनावी बिगुल फूंक दिया, साथ ही दोहराया कि बिहार का विकास मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है और राज्य में शांतिपूर्ण विकास का शासन आ गया है। बिहार की बहनों और बेटियों का अधिकार मोदी की गारंटी है।
लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो लोगों से 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में राजद की महारैली में आने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग इकट्ठा होकर केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि भाई और बहनों को 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब किसान मजदूर और नौजवान लोग बड़ी संख्या में पहुंचें और केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा ने शनिवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली से घोटन महसूस कर रहे पार्टी के 9 और विधायक उनके संपर्क में हैं। बता दें, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के कारण 5 अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ राणा को भी विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय विधायकों के अलावा पार्टी के 9 और विधायक हमारे संपर्क में हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा था कि सीएम को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। इस पर अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिसके साथ 80% विधायक जुड़े हों उससे ज़्यादा साथ और क्या होगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सवाल क्यों उठाया और किस संदर्भ में उठाया। पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने राजनीति छोड़ने के संकेत दिए हैं। गंभीर ने एक्स पर लिखा है, मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि वो मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं क्रिकेट की अपनी प्रतिबद्धताओं पर ध्यान दे सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा है, मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा के एक बयान के बाद अटकलें शुरू हो गई हैं कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। शनिवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से निवेदन किया है कि वो मेरी प्रत्यक्ष चुनावी जिम्मेदारियों से मुक्ति करें ताकि मैं भारत और दुनिया में वैश्विक जलवायु परिवर्तन लड़ने की अपनी कोशिशों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। स्वाभाविक रूप से मैं आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा। मुझे पिछले 10 सालों तक भारत और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने कहा है कि सुबह दिल्ली से गौतम गंभीर और अब हजारीबाग से जयंत सिन्हा, बीजेपी के दोनों स्टार सांसदों ने चुनाव और राजनीति से अलग होने का फैसला किया। गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा का मैदान छोड़कर भागना साबित करता है कि जब जहाज डूबने लगता है तो कुछ जीव पहले ही उसे छोड़कर भागने लगते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के अन्याय का जब हिसाब होगा तो पूरी बीजेपी साफ हो जाएगी। ये लोग समझ गए हैं कि भ्रामक प्रचार और खोखले दावों का वक्त लद गया है, तो इन्होंने पहले ही बीजेपी से दूरी बना ली है। मीडिया के प्रिय साथियों, आपका फुलाया हुआ गुब्बारा तो चुनाव से पहले ही फूट गया है, लेकिन ये हेडलाइन के कुछ सुझाव हैं, गौर फरमाइए। बीजेपी में मची भारी भगदड़, एक के बाद एक बीजेपी सांसद कर रहे हैं किनारा। गंभीर, जयंत ने बीजेपी को कहा बाय बाय। डूबती बीजेपी को छोड़ते सांसद, बीजेपी का संकट और गंभीर हुआ। बीजेपी के जय की नहीं, जयंत को उम्मीद। गौतम गंभीर के ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा है कि वो पॉलिटिक्स से संन्यास ले रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी उनका टिकट काट रही है। बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है जिनका जनता के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं होता। इनके सांसद, विधायक, पार्षद कोई भी जनता के बीच नहीं दिखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजा है। गडकरी का कहना है कि दोनों ने उनके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुमराह करने और मानहानि करने वाली खबरें शेयर की हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गडकरी के वकील बालेंदु शेखर ने कहा कि उनके मुवक्किल एक्स पर अपने बारे में कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए कंटेंट देख सुनकर हैरान हैं। उनके वकील ने कहा कि खड़गे और रमेश ने एक वेब पोर्टल पर प्रसारित गडकरी के इंटरव्यू के एक टुकड़े को जानबूझकर पोस्ट किया। कोविड-19 से जुड़े इस वीडियो क्लिप को बगैर संदर्भ और शब्दों के मायने के शेयर किया गया। नोटिस में कहा गया कि ये बीजेपी की एकजुटता में दरार पैदा करने का एक निरर्थक प्रयास भी है, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगामी आम चुनाव में लोगों का विश्वास जीतने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को भेजे गए कानूनी नोटिस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है कि किसानों को MSP मुआवजा नहीं मिला है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। अगर नितिन गडकरी ने ऐसा कहा है तो उसमें गलत क्या है? नितिन गडकरी झूठ नहीं बोलते हैं, वो जो महसूस करते हैं वही बोलते हैं। किसानों को खुलेआम देशद्रोही कहा गया, और अगर नितिन गडकरी ने नोटिस भेजा है तो मुझे विश्वास है
कि नितिन गडकरी जी किसानों की वास्तविक स्थिति के बारे में आत्मचिंतन करेंगे। झारखंड के दुमका में स्पेनिश महिला से गैंगरेप के मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, इस राज्य में ना तो आदिवासी सुरक्षित हैं ना ही दलित। अभी अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया है क्योंकि एक स्पेनिश महिला यहाँ आती है और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। मैं सीएम सोरेन से अपील करना चाहता हूँ कि वो राज्य में कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। अगर किसी जाति के आधार पर पोस्टिंग होगी तो इस तरह की घटना होती रहेगी। एंटी रेप एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने स्पेनिश महिला के साथ रेप पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बलात्कारी दरिंदे पूरी दुनिया में अपने देश की छवि खराब कर रहे हैं। अतिथि देवो भव के संस्कार वाले हमारे देश में स्पेन की नागरिकता वाले एक दंपति के साथ झारखंड के दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में गैंगरेप हुआ जो न्याय थी जघन्य है। महिला के अनुसार 7 अज्ञात लोगों ने उसके साथ रेप किया और पति को बंधक बनाया। आज जब भारत विश्व पटल पर स्वयं को पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, ऐसे में ये घटना देशवासियों के लिए शर्मनाक है। क्रिकेटर युवराज सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। युवराज सिंह ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि वो पंजाब की गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। युवराज ने एक्स पर लिखा, मीडिया में मेरे चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं लेकिन मैं गुरदासपुर से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अलग अलग स्तर पर लोगों का समर्थन और उनकी मदद करना ही मुझे पसंद है। मैं अपने फाउंडेशन यूवी कैन के जरिए से काम करता रहूँगा। आइए अपनी बेहतरीन क्षमता के जरिए बदलाव की कोशिश जारी रखें। जामनगर एयरपोर्ट को 10 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है ताकि यहाँ बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, रिहाना, इवांका ट्रंप और कई पूर्व प्रधानमंत्रियों का स्वागत हो सके। दरअसल अंबानी परिवार के अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की पार्टी यहाँ शुक्रवार को शुरू हो चुकी है। हाई प्रोफाइल मेहमानों को जामनगर में उतारने के लिए यहाँ के डिफेंस एयरपोर्ट को यहाँ छूट दी गई है। द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि जामनगर एयरपोर्ट 25 फरवरी से ही इंटरनेशनल घोषित है और 5 मार्च तक यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट उतर सकती हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने हवाई अड्डे पर कस्टम, इमिग्रेशन और अलग रूम सुविधा स्थापित कर दिया है। हालांकि इसके लिए इस डिफेंस एयरपोर्ट पर सुरक्षा के मद्देनजर कई बदलाव करने पड़े क्योंकि इस एयरपोर्ट के पूरे क्षेत्र में आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है। यहां कड़ी सुरक्षा रहती है। वहीं एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर लोगों का कहना है कि मेरी जानकारी में था कि देश में वीवीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, किसी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है लेकिन यहां तो मिल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार को और भी बेहतर ढंग से चलाने के लिए प्राइवेट क्षेत्र के 25 एक्सपर्ट जल्द ही केंद्र में प्रमुख पदों पर तैनात होने जा रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 3 संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसकी नियुक्ति के बाद मोदी सरकार के संचालन में लेटरल एंट्री के जरिए लाए गए अफसरों का बोलबाला हो जाएगा। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि इन सभी विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री के जरिए सरकार के संचालन में शामिल किया जा रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।